वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन भगवान हम की तो इच्छा बस थी। हाँ निकल रहे थे यहाँ से। हमें प्यास लगी, उसके बाद मंदिर में पानी पी लेते। हाँ गाइस सी यू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे हो गए। सो गाइस आज का व्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज है हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो कि इंदौर में है। और जिन बंदों ने पहली वीडियो देखी उनको पता है मैं इंदौर आ रखा हूँ पेपर के लिए, और जो बंदे नए हैं उनको बता दूँ मैं कि मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम सेंटर पर आता है इंदौर में। सो मैं इंदौर आया हुआ हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 मॉर्निंग का टाइम है, तो पार्क में आ रखा हूँ। सो गाइस मैं रोज सुबह पार्क आता हूँ, आपको तो पता ही है, रामी मानुस दो दिल में पलट गया। वाह, क्योंकि यार लाइफ में ना सुबह उठने की आदत ना हमेशा डालनी चाहिए। हाँ, और मेन टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि आज मतलब हम इंदौर पहली बार आए हैं। सो इंदौर सबसे पहले मैं पेपर फिनिश करता हूँ, पेपर वगैरह देता हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद हम कहीं घूमने वगैरह जाएंगे, कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, पूछते हैं किसे, इंदौर तो पहली बार आए हैं तो किससे पूछेंगे कौन सी अच्छी जगह है नियर बाई में, वहाँ जाते हैं। बाकी कल निखिल का भी एग्ज़ाम अगर हो जाता है, कल एग्ज़ाम हो जाएगा निखिल का, तो महाकालेश्वर जी के भी दर्शन करने हैं हमें। और आज का व्लॉग भी आपको देखने के लिए मिलेगा, हम कोई नई प्लेस विजिट करेंगे, सारी हमारे लिए नई चीज़ें ही होंगी यहाँ पे, क्योंकि हम पहली बार आए इंदौर। सो अब मैं सबसे पहले घर जाता हूँ, मॉर्निंग में एक मैंने 2-3 वॉक मार लिए इस पार्क के, 2-3 चक्कर मार लिए मीन्स, और अब घर जाता हूँ, नहा धो के रेडी होता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से, सेंटर पे जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ क्या सीन है वहाँ का। गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी फुल पेपर देने के लिए, और लेकिन भी रेडी हो चुका है। मौसम यार काफ़ी प्यारा हो रहा है इस मॉर्निंग का यहाँ पे। सो गाइस अब सीधा निकलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, हम ये पीछे जो कार खड़ी है उसे जा रहे हैं, और एग्ज़ाम सेंटर अवॉइड बैकग्राउंड साउंड। तो गाइस एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसा सीन है वहाँ का, कितनी भीड़ वगैरह है, कितने बंदे वगैरह कितने बंदे आए हैं। मोस्ट ऑफ दिल्ली से बंदे आए हैं इंदौर इंदौर सेंटर पर। अब निकलते हैं जूते वगैरह पहन के। गाइस फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन, पीछे लाइन लग रखी है, और अब पहले जाते हैं लाइन लगाते, चेकिंग वगैरह करवाते हैं, फिर एंट्री लेता हूँ, और निखिल बाहर ही वेट करेगा मेरा। सो गाइस अब जाते हैं, अभी एग्ज़ाम दे के निकला हूँ। सही गया एग्ज़ाम यार, नहीं बोल भी नहीं सकते कि बहुत अच्छा गया, लेकिन सही गया, जितना एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया पेपर। क्वेश्चन मेरे 8 या 8 क्वेश्चन छूट गए, बाकी मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया है, और ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था, कह सकते नॉर्मली पेपर था, बाकी ठीक ही था जो भी है। अब निकलते हैं यहाँ सबसे पहले घर के लिए, ऑटो से ही जाना पड़ेगा, जो भाई ने सुबह छोड़ा था वो तो जा चुके हैं, अब यहाँ ऑटो से निकलते हैं घर, फिर आपको बताऊँगा। हाँ गाइस रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से थोड़ी हाई जा रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करी उनके लिए ठीक ही लगे उन्हें। बाकी और भी और क्वेश्चन, बाकी सारे सब्जेक्टों के नॉर्मल थे, और रीजनिंग के थोड़े मुझे हार्ड लगे, बाकी नॉर्मल मैथ वगैरह सब नॉर्मल ही था, जनरल अवेयरनेस भी सब सही था, बस वही है रीजनिंग के थोड़ा हार्ड लगे मुझे। सो गाइस अभी जा रहे हैं घर, यहाँ से हमने ले लिए बस और सीधा पहुँचते हैं घर। और यहाँ पे गाइस काफ़ी चीज़ें हैं नोटिस करने वाली, जैसे कि यार जैसे कि गूगल मैप, गूगल ने बताया हमें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी में आता है इंदौर, और ये रियल बात है, काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता है यहाँ पर, और जो कि दिल्ली के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी जगह है। और यार काफ़ी चीज़ें नोटिस करने वाली, जैसे कि यार यहाँ पे रेड लाइट वगैरह काफ़ी कम है, क्योंकि ये रश नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, और पॉल्यूशन वगैरह भी कम है। बाकी घर जाते हैं फिर बताता हूँ, शाम में देखते हैं कहीं घूमने वूमने निकलते हैं यहाँ पे। पता ये न भूलना, ओ हिरण्यगर्भ देही रणिया में।
गाइस अभी हम निकल रहे थे यहाँ से, हमने सोचा मंदिर में पानी पी ले। और गाइस ये कितना पुराना मंदिर मिल गया हमें, बहुत ही प्यारा लगता है, लग रहा है मीन्स। और अभी अंदर भी जाके दर्शन करेंगे हम, सबसे पहले पानी पी लेते हैं। और गाइस हमें यहाँ पे एक बंदे ने बताया है कि इस मंदिर का नाम ही है फूटी कोटी, जो कि इस मंदिर का कभी निर्माण पूरा ही नहीं हो पाया। ये ऐतिहासिक मंदिर है, उन्होंने बताया कि ऊपर जाके देखो। हमने उन्हें बताया कि हम दिल्ली से आए हैं, उन्होंने पहले पूछा कि आप लोग नहीं रहते यहाँ पे, मैंने बोला कि नहीं हम तो पहली बार आए हैं दिल्ली से। उन्होंने बोला ऊपर जाके देखो, काफ़ी भव्य मंदिर है, तो सबसे पहले पानी पीते हैं और ऊपर जाके देखते हैं यार पूरा और दर्शन करते हैं। कभी पूरा हुआ ही नहीं। और ये कितना प्यारा व्यू है अंदर इसका, इधर उधर उधर बहुत जल्दी। आज देख सकते हो प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरे पिलर्स वगैरह देख सकते हो ऊपर, ये सामने देखो। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन हम तो बस निकल रहे थे यहाँ से, हमें प्यास लगी थी, उसका मंदिर में पानी पी लेते। हाँ गाइस सीढ़ियाँ भी बोल। मुझे इस मंदिर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मंदिर की हिस्ट्री क्या है। और जहाँ तक है मैं घर जाके सबसे पहले इसके ऊपर सर्च, सबसे पहले गूगल करूँगा कि क्या है इसमें मंदिर की हिस्ट्री वगैरह। मिस्ट्री बहुत ही हिस्टोरिकल भी लग रहा है और कुछ ना कुछ मिस्ट्रीलियस भी लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रहा है। वैसे दीवारों पे देख सकते हो आप क्या कारीगरी करी गई है, काफी बड़ा मंदिर है ये। ये राम जानकी मंदिर है और ये भी बंद कर रखा है। हाँ गाइस ये देख सकते हो, गाइस यहाँ पे सीढ़ियाँ भी जा रही हैं नीचे, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे जाना। गाइस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस लग रही है, ये पिलर देखो ये लोहे के, ये देखो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे जा रही हैं। अंदर अंदर कमरे भी बन रखे हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गाइस मुझे अंदर जाना सेफ नहीं लग रहा, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर जाना सख्त मना है, सो गाइस हम यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ सर
मैं इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था। मम्मी को मैंने भी एक बात बताई, बोलू पता है कौन सी जगह, जब वो इस साइड से जा रहा था ना अंदर, तो उसके साथ साथ चलने की एक आवाज़ भी आ रही थी। पता नहीं ये वहम था या कुछ जो भी था, लेकिन यार अंदर जब लिखा हुआ है अंदर जाना मना है तो हम निकलते हैं यहाँ से, हमें ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो ये मंदिर है यार, लेकिन मिस्टीरियस प्लेस भी है, तो सो गाइस निकलते हैं यहाँ से, वही बेटर होगा। गाइस मंदिर से निकल चुके हैं, अब सीधा जाते हैं अपने घर। और गाइस इस मंदिर का नाम है फूटीकोटी, प्रॉपर लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन बंदों का सेंटर पर है इंदौर में दिल्ली पुलिस का, वो बंदे आके विजिट कर सकते हैं। सो गाइस ये वाला मंदिर देखो, बीच रोड पे है ये वाला मंदिर। सो गाइस निकलने से पहले हम सोच रहे कुछ खा लें, क्योंकि घर जाते जाते हमें और ज़्यादा भूख लगते जा रही है, इसलिए कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। चुप खड़ा था, मौसी सुन लेंगी। चल 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 अपन घूमने चलते, चल आजा घूमने चलते, ऐसे रोते रोते थोड़ा ना जाएंगे अपन रोड पे, अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी जा, अब चुप हो जा फिर। फिर आ चुके हैं सुनील चाट कॉर्नर पे और खाते हैं इनकी फिर से एक और चाट, क्योंकि लास्ट डे है हमारा कल, शायद से हम निकल सकते हैं वापस। वापस तो नहीं, भोपाल जाएंगे पहले, फिर निकलेंगे घर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:02 और इस वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड। और कल निखिल का एग्ज़ाम है, तो मॉर्निंग में फिर से कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। निखिल का जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पे सेंटर नहीं है, किसी स्कूल में है उसका सेंटर, तो मॉर्निंग में जाएंगे वहाँ पे। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय। हाँ गाइस, जो भी बंदे वीडियो देख रहे थे हिट द लाइक बटन यार, लाइक करने में ज़्यादा, वीडियो को लाइक भी करो यार, और जैसा प्यार दे रहे हो ना अभी वीडियोज़ में वैसे प्यार बनाए रखना। और मिलते हैं एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।